सभी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे जनता के बीच जाकर के कि उनके सभासद ने और चेयरमैन ने क्या क्या कार्य कराए हैं। जमीनी हकीकत हम आपको दिखाएंगे जनता की जुबानी सीधा आपको हुकूमत एक्सप्रेस पर। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 3 में जो कि हयात नगर पूर्वी है, और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनके सभासद ने कितना काम उनके वार्ड में कराया है। क्या नाम है भैया? कय्यूम नाम है साहब हमारा। मैं जानना चाहूंगा कि 5 साल हो चुके हैं सभासद को, कि कितना कार्य आपके सभासद ने आपके वार्ड में कराया है? कुछ काम नहीं कराया यहाँ पे। जैसे कि क्या क्या काम नहीं कराया? कुछ भी सड़क है कुछ नहीं पड़ी, पानी का कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं की जरह कभी। और क्या नाम है, ये लमढारा जो है क्या नाम है, ये सरकारी डेरा है, ये भी पाट दिया। हाँ, तो सभासद के कार्य से आप नाखुश हैं? नाखुश हैं। तो ये बताइए कि नगर पालिका चेयरमैन ने क्या क्या काम कराए हैं आपके? यहाँ पे कोई काम नहीं कराया, किसी ने भी आज तक कोई काम नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करना पसंद करेंगे? हम तो जो भी चेयरमैन आगा ये कहेंगे क्या नाम है, हमारे क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ, क्या नाम है, जब वोट देंगे पहले काम कराओ। आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है, पानी की समस्या है, और क्या नाम, घरों में पानी घुस जाता है, कोई डायर क्या नाम है ये पाट दिया था, क्या नाम है, यहाँ पर लमढारा पाटा पड़ा सब पूरा, पानी का रास्ता नहीं है कहीं भी, घरों में पानी घुस जाता है। और भी लोगों से मैं जानूंगा, ये क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद रीफ है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, पानी का रास्ता बंद कर दिया, आगे यहाँ बरसात हो, थोड़ी सी बरसात होती है पानी भर जाता है, वो पानी भरने वाले में घरों में भर जाता है, घरों का निकलना दुश्वार हो जाता है पब्लिक का। क्या नाम है आपके सभासद? मेरा नाम गरीब है। आपके सभासद का क्या नाम? हमारे सभासद मोहम्मद शकील अहमद है। उन्होंने कोई काम आपके वार्ड में अभी तक नहीं करा? ना कोई काम नहीं। तो अभी तक ना खुश है आप? ना खुश। तो आगे को आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करना पसंद करेंगे? हम तो यही पसंद करेंगे कि भाई हमारा पानी का रास्ता करो, जो पानी का रास्ता साफ करेगा उसी को वोट देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभासद से यहाँ की जनता बहुत नाराज है, लेकिन सबसे पहले आपको मैं इस बाट का हाल दिखाऊंगा कि किस तरह का यह हाल है। यहाँ की सड़कें आप देखेंगे, यहाँ की सड़कें आप देखेंगे तो किस तरह से बनी हुई है, देखिए कितनी गंदगी इस बाट के अंदर है, लोग नाराज हैं सभासद से यहाँ के। लगातार आप देख सकते हैं कैमरे में हम आपको दिखा रहे हैं कि नालियों का हाल किस तरह से है। 5 साल में कोई काम सभासद ने यहाँ के नहीं कराया है, लोग यहाँ के सभासद से बहुत नाराज हैं, लेकिन आगे को कह रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर के हम वोट करेंगे कि नालियाँ साफ होनी चाहिए, सड़कें साफ होनी चाहिए और बाढ़ में रोशनी होनी चाहिए। और लोगों से भी जानेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। तो क्या समस्या है आपको अपने बाढ़ में लेकर के? यही बस सड़क भड़कना पड़ी है और क्या है, बाकी नाली वाली खराब है, पानी की समस्या है। तो सभासद ने तो कोई काम आपके वार्ड में नहीं कराया जैसे कि लोगों से मालूम हुआ, हम ये जानना चाहेंगे कि चेयरमैन ने कितना काम आपके यहाँ कराया? बिल्कुल काम नहीं कराया, कोई भी सड़क नहीं पड़ी है, कोई भी काम आपके यहाँ चेयरमैन ने भी नहीं कराया? नहीं नहीं। अब इलेक्शन ऐसे में आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप युवा हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट करना पसंद करेंगे? विकास हो इसी के लिए वोट करेंगे। विकास के लिए तो पहले भी वोट दिया था आपने, लेकिन विकास नहीं हुआ, इस बार फिर विकास को लेकर के वोट करेंगे? ये सड़कें बढ़के बढ़े और जो नौजवान रोजगार है उन्हें रोजगार मिले। तो नगर पालिका से रोजगार का कोई मतलब नहीं होता, फिलहाल मैं आपको बताऊँ, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, बाढ़ में रोशनी होनी चाहिए, इस तरह का काम होता है। तो और भी लोगों से जानेंगे बुजुर्ग हम। अच्छा, आपके वार्ड में क्या क्या काम हुए हैं? हमारे वार्ड में कुछ भी काम नहीं हो रहा, नालियाँ साफ होती ना 6-6 महीने साफ ना, और भाग काम सड़ाना फिर रहा, देख लो चलो अभी देख लो तो क्या क्या हो रहा है आज चेयरमैन में। तो आगे को अब इलेक्शन आ रहा है तो इन किन मुद्दों को लेकर के आपके मुद्दे क्या होंगे जो वोट करेंगे आप? तो आगे कोई अब सोचेंगे ना आदमी को, कोई ना कोई तो सोचेंगे, कोई जरूर थोड़ी नया चेहरा आप देखना चाहते हैं बस। अभी तक जैसे कि प्रत्याशी आ रहे हैं, लोग घूम रहे हैं जगह जगह, चेयरमैन के प्रत्याशी जा रहे हैं, आपके यहाँ पर कौन घूमने के लिए आ रहे हैं? अभी तो कोई रहा वो आए चौसरा वाले चौधरी मुशीर यहाँ पर, उन्होंने आपको बताया होगा कि हम ये काम कराएंगे, क्या क्या काम बताया उन्होंने? उन्होंने सब काम को कराया, बोले काम कर मैं हो गया तो करूँ, हमें ऐसे बातें तो कराई हैं, अब उसके बाद में कराए तो बता। मैं भी जब बात दुनिया करती है लेकिन करता कोई कोई नहीं करता। और भी लोगों से जानेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वार्ड में किस तरह की परेशानियां हैं लोगों को, लगातार लोग परेशान हैं, 5 साल से परेशान हैं, लगातार 6-6 महीने सफाई कर्मी वार्ड में सफाई करने के लिए नहीं आते हैं। और भी लोगों से मैं जानूंगा कि और क्या समस्या है और किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम साजिब है। साजिब भाई, आपके वार्ड में कब से काम नहीं हो रहा है और कितने आप परेशान हैं? बात से कम से कम 5 साल हो गए, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं। आपके सामने नाली है देखो, हम तो गाड़ी भी ना ला सकते, बात से गाड़ी खरीद रखी है, हम तो गरीब आदमी है, कार भी ना लाते घर में और रोड पे खड़ी करें, चुर गई। आप गरीब आदमी हैं और गाड़ी लेकर आते हैं? हाँ, और कब पहुँच नहीं पाते घर तक, क्या कर सकते हैं गरीब आदमी के पास आज के दौर में गाड़ी है? कमाई मोटी है, मसला ये है, कमाई मोटी है, लेकिन गरीब आदमी, गरीब आदमी है, अमीर कहेंगे तो यार आपको पता ही है, समझ। तो टॉपिक पे आते हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं और ऐसे में क्या मुद्दे रहेंगे आप जो वोट करेंगे?
सबसे मेन तो विकास पे वोट करेंगे, जो विकास करेगा उसको वोट करेंगे। पहले भी आपने विकास के मुद्दे पर वोट दिया था? हाँ, तो कोई विकास होता ही ना। हाँ, पता चला है दो चार मोहल्ले में उधर हो गया विकास, इधर तो कहीं होता नहीं। आपका वार्ड नंबर कौन सा है? 3 है। सभासद कौन है आपके? एक क्या नाम है, मेंबर्स बाबूजी इस्लाम शकील अहमद। हाँ, आप नाराज है अपने मेंबर से? ऐसे नाराजगी ना, तो काम ही ना करते तो नाराजगी है। आगे को आप किस सभासद को चुनना चाहेंगे, जैसे कि आपको उम्मीद हो कि हाँ ये काम कराएगा? वक्त आने पर चुना जाएगा। वक्त आने पर आप चुनेंगे। तो ये थे, बता रहे थे हयातनगर पूर्वी के लोग की क्या स्थिति है वार्ड की और कितना मुश्किल है यहाँ पर रहना। लोग रास्ते में जाते हैं परेशान होते हैं, बच्चे स्कूल को जाते हैं परेशान होते हैं, पानी से गुजर कर निकलते हैं। तो ये वार्ड नंबर 3 था पूर्वी। इससे पहले हमने आपको दिखाया था हातिम सराय का कि वहाँ के लोग परेशान थे, लेकिन अब वार्ड नंबर 3 में भी लोग परेशान हैं। आगे को विकास के मुद्दों पर वोट करना पसंद करेंगे। हम थे वार्ड नंबर 3 में हयातनगर पूर्वी में। अगली कवरेज हम आपको वार्ड नंबर 4 से दिखाएंगे कि क्या हाल है वहाँ का और किस तरह से लोग वहाँ पर रह रहे हैं। जब तक देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।